खुदावंद खुदाउं के अजीम जलाली बाबर के नाम में एक बार फिर आप सबों को सलाम भेजती हूँ मैं इस वक्त बहुत खुशी की बात है कि अकबर भट्टी साहब एडवोकेट के साथ मौजूद हूँ फैसलाबाद में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक दलेर आवाज़ और बिलखसूस पास्टर विक्की के मामला पर उनके केस पर सबसे पहले आ, लाला रोबन और एडवोकेट अकबल भट्टी साहब ने एक हकाइक पर बबरी जो बातचीत की और उस बातचीत के नतीजे में इन्हें विक्टेमाइज भी किया गया वो भी मैं ज़रूर हमदर्दी करती हूँ सोलडेरिटी आपके साथ और शुक्रगुजार गुज़ार हैं कि उसको आपने डील किया वो ज़रूर मैं पूछूंगी आपसे सारा मामला क्या हुआ लेकिन पास्टर विक्की विक्की के बारे में ज़रूर एक बार फिर बताते चले जाए कि आज कोर्ट ने उन्हें फिर दो दिन का रिमांड दिया है और मंडे को उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा कोर्ट में और कोशिश यही है कि वो हॉस्पिटल में ही हों लेकिन अभी हमें नहीं पता कि पुलिस उन्हें ले गई है साथ या वो अभी हॉस्पिटल में ही है मुझे जाके देखना है कोशिश है कि वो हॉस्पिटल में ही हों लेकिन पांच और लोग भी हैं जो कि इलीगल कन्फाइनमेंट में हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमें डील करने की ज़रूरत है जो अलताफ़ जो डॉक्टर अलताफ़ हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए हैं लॉ एनफोर्मेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शायद लगता है हेड बने हुए हैं कि उन्होंने सारी तहकीकात करवा ली कि जो एफआईआर वो पहली एफआईआर का नंबर क्या था एडवोकेट साहब मुझे अभी एग्जैक्टली exactly नंबर तो नहीं है लेकिन वो जो पहली इसके 27 अगस्त को हां जी अगस्त को हुई थी तो उसमें तो चर्च पे जो लिखा जी, जी, गया था उसमें भी जो डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं उन्होंने मुजरम करार दे दिया लिखवाने वाले एफ आई आर मुझे आज ये भी दिलचस्प हकीकत पता चली कि ये दोनों एफ आई आर लिखवाने वाले करवाने वाले उसको ड्राफ्ट देने वाले ये डॉक्टर अल्ताफ साहब खुद थे बाद में क्या बना ही इज नॉट कैरिंग अ गुड रेपुटेशन इन द अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी हेयर आई एम सो शॉक टू नो कि उनकी जो वो लेटर हेड भी यूज़ किया गया है वो भी अथेंटिक नहीं है जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया है वो भी अथेंटिक नहीं है उनका रजिस्टर्ड नहीं है ये और वो वो खुद ही अपनी तंजीम के सब कुछ है और ये एक धोखा दिया जा रहा है कि उनकी जी यू में और यू कोरिया में पता नहीं किधर किधर उनकी शाखें हैं प्लीज़ एक क्रिश्चियन रवैया नहीं है मैं ज़रूर चाहूंगी कि वो अपने लेटर को वापस लें क्योंकि ये इस वक्त पास्टर विक्की की जान के लिए फंदा बना हुआ है उसको हम चैलेंज करते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं और शफाफ़ तहकीक़ात का मुतालबा करते हैं उस दिन से ना सिर्फ पास्टर विक्की को पुलिस की इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया 18 सितंबर को ए फोर की पटिशन डाली गई उसमें भी कोर्ट ने जब बैली भेजे बेलिफ को मार के एस एच ओ ने भगा दिया और उसके बाद फिर सेशन जज साहब ने सख्त ऑर्डर किया कि तीन बजे सेम डे पादरी साहब को प्रोड्यूस किया जाए और ऑर्डर दिया कि ही इज़ सेट एड लिबर्टी कि वो आज़ाद हैं कहीं भी जा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद जो इलाका पुलिस है उन्होंने उनके ऊपर तीन जो पुलिस के जवान आ, नौजवान जो हैं वो चौबीस घंटे उनके घर के अंदर उनके सर पर मौजूद रहते थे और कल जो कुछ हुआ उन्होंने जब ख्वाहिश की कि वो चर्च जाना चाहते हैं चर्च में जाकर इबादत करना चाहते हैं वो के एफ सी में जाना चाहते हैं ही वॉज़ सो हैप्पी टू नो ऑल दिस लेकिन पुलिस ने उनका खुदा के घर जाने का रास्ता रोका टॉर्चर किया मुझे मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग की कन्फाइन किया उसमें पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त के लिए और लू को तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया पादरी साहब को कल फिर टॉर्चर किया और इतने डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए लू को जो ऑफिसर मार रहा था वो उसको कह रहा था चूड़ा और चूड़ा कहने के साथ साथ कह रहा था कि तुम लोगों ने जो कुछ जड़ा वाला में किया है कुरान के साथ तुम लोग तो आ, हक ही नहीं है कि तुम जिंदा रहो तुम्हें तो जमीन से मिटा देना चाहिए अकलीतों का यहाँ पाकिस्तान में कोई हक नहीं है हम आप लोगों का निशा, नामो निशान मिटा देना चाहते हैं ये इस तरह के अल्फाज वो पुलिस ऑफिसर लूक विक्टर को तशद करते हुए इस्तेमाल कर रहा था और जब पादरी साहब को भी दोबारा लेकर गए हैं तो पादरी साहब के मुंह पे थपड़े मारी उनको चूड़ा कहा उन्होंने जब बाइबल का हवाला देकर कहा कि मैंने नहीं झूठ बोला मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बाइबल के ऊपर पेशाब करता हूँ और बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए एंड ही वॉज बीइंग टॉर्चड ऑल द वे और पुलिस इतनी बेरहम हुई हुई है और ये स्टेटमेंट भी आई कि या तो पादरी बचा लो या स्टेट बचा लो तो पादरी की कुर्बानी दे दो और उस पर सारा झूठ डाल दो कि सब कुछ उसने किया है मेरा सवाल फिर एक ये भी है कि अगर यहाँ पर पादरी ने कुरानी आयत लिख दी चर्च के बाहर जैसा कि उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो कराची शहर में जिस शहर में मैं रहती हूँ ट्रिनिटी चर्च के अंदर मैं रहती हूँ पिछले अट्ठाईस साल से उसकी दीवार पे भी कुरानी आयात लिखी गई सितंबर के महीने में सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च जो के सदर में या दो बार उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी गई नासर कॉलोनी कैथलिक चर्च के सामने इलाका के मौलवी के बेटे ने कुरान मजीद ला के कैथलिक चर्च के गेट के आगे रख दिया सिंध में भी पादरी विक्की साहब ये सारा घनावनी साजिश चला रहे थे ये वो नापाक कोफते हैं वो शर्पसंदर हैं जो माशरे का अमन तबाह करना चाहते हैं जो क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात चाहते हैं जो मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं और पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा करने की बजाय हम पर इल्जाम डालती है बजाय कि वो इतनी एफर्ट जैसे कल ग्यारह पुलिस मोबाइलें इतनी बड़ी पुलिस फोर्स आई हुई थी जैसे वहां दहशतगर्द हो इतने बड़ी पुलिस उतनी बड़ी एफर्ट्स चोरों को पकड़ने में वो मुलजम को पकड़ने में जिसने हयात लिखी है या जिसने गोली मारी है उस पर लगा दें तो शायद पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो पुलिस का नाम भी रोशन हो हम पंजाब पुलिस पर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करते हैं मैं चाहूंगी कि लीगल जो पोजीशन है आप प्लीज जरूर बताएं और अपने बारे में बताएं कि आपको कैसे विक्टिमाइज किया गया और मैं आपके साथ बिल्कुल हमदर्दी करती हूं हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी सारी जिदोजहद को सल्यूट करते हैं जी बहुत शुक्रिया गजाला शफीक और सबसे पहले तो मैं यहाँ और बड़ा माजत खा हूँ आपकी कॉल आई तो आपने मुझे आने के लिए कहा लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी एक जो मुसीबत में फंसा हुआ था तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता था मुझे खुशी होती कि उस मुश्किल में जब आप थी तो मैं हम लोग मेरी तहरीक साथ होती मैं उस तमाम रवैये के लिए जो आपके साथ दरपेश हुआ फ़ैसलाबाद में शर्मसार भी हूँ कि इस शहर की पुलिस ने आपके साथ धोस की धांधली की बदमाशी की गुंडागर्दी की बदतमीज़ी की और हमारे जो वकील भाई हैं लूक साहब उन पर टॉर्चर भी किया और पादरी साहब के लिए तो आपको पता है कि हम पहले से ही परेशान हैं और ये तकरीबन दो तीन हफ्ते पहले मैंने उन पर एक प्रोग्राम भी किया था और जब ये मैंने इनकशाफ किया था कि ये ऐसा होगा और फिर बाद में एक लाला रोबन के साथ भी प्रोग्राम किया और मैं मेरा रबता था गज़ाला शफीक साहबा से और ये बड़ी परेशान थी और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ ये सबसे ज़्यादा इनका कमाल ये है जो हमसे ना हो सका कि हम उनकी फैमिली को वो अतमाद और वो दिलेरी ना दे सके कि जो हमारे साथ वो खड़े हो सकते थे ये इनका कमाल है कि इन्होंने कराची से बैठ के यकीनी तौर पे चूंकि ये एक मजहबी रानमा है तो यकीनी तौर पे डिवाइन फोर्सेस ये हैं इनके साथ और उनकी कुवत से वो जो फैमिली डरी हुई थी सेमी हुई थी उन्होंने इनका साथ दिया और ये कल इन्होंने एक जो दुनिया जो पिक्चर दिखाई जा रही थी यहाँ पे जो ऐसे अनासर जो हम पे जुल्म करते हैं वो दिखाना चाह रहे थे उसको इन्होंने बेनकाब किया तो आई अप्रीशिएट दैट मैं आपकी खराज तहसीन पेश करता हूँ और दूसरा ये है कि अभी लीगली जो है ये वैसे तो पादरी साहब को तीन सितंबर से इन्होंने जब उन्होंने किया तो इनको इन्होंने पकड़ा हुआ था कुछ कभी छो, कभी अगर वो घर में भी चंद दिन रहे हैं तो वो भी पुलिस की डिटेंशन में ही रहे हैं लीगल तो तब से ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जब ये कल इनकशाफ हुआ है तो उन्होंने उसकी बाकायदा जो गिरफ्तारी है उनकी अरेस्ट वो कल से डाली और आज उन्होंने फिजिकल रिमांड करी ये एक जालसाजी करने की कोशिश की है और अदालत को धोखा दिया है कि ये शायद कल जो है उनको अरेस्ट किया है और आज भी इन्होंने फिजिकल रिमांड मांगा और फिर उसको कंटेस्ट किया गया और फिर मतलब चले उन्होंने उसको जुडिशल कर दिया और साठ चूंकि उनकी हालत बड़ी ख़राब थी उनको हॉस्पिटल में रखने के लिए भी और यकीनी तौर पर उनका मेडिकल भी होगा और जो टॉर्चर है वो भी सामने आएंगे लेकिन ये तोुआत हैं कि यहाँ पे मतलब चूंकि अब पुलिस बेनकाब हो चुकी है यकीनी तौर पर वो अच्छे हथकंडे जिस तरह इस्तेमाल करती है पंजाब पुलिस वो करेगी हो सकता है कि दोबारा से कोई इस तरह की साजिश बनाई जाए कि पादरी साहब को वहाँ से निकाल दिया जाए या पकड़ लिया जाए या मतलब हम जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको ट्रीट इस तरह के किया जाए कि ये हम इस बात को बेनकाब ना कर सके जो साजिश की गई थी कम्युनिटी के खिलाफ हम मसीों के खिलाफ कि हम खुद ही ये अपने आप को गोलियां लगवाते हैं हम खुद ही बाइबल मुकदस जलाते हैं हम खुद ही चर्चे जलाते हैं और एक आम एमकाना सी बात है कि हम ये सारा बैरून मुल्क जाने के लिए करते हैं सइलम ले लेने के लिए करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है तो वंस अगेन दुनिया ने तस्वीर देखी और इसमें यकीनी तौर पे हमारी कुछ थोड़ी एफर्ट्स थी लेकिन गजाला की बहुत कोशिशें थी और हमने ये सच अब जो लोग तब मान नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता जो लोग मान चुके थे कि पाजी साहब ने शायद किए अब उनको बिल्कुल चेहरा वाजे हो गया और वो उस, उस शख्स का उन शैतानी कुतों का उन लोगों का भी जो गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं जिनकी कोई मॉरल और इलीगल जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी कोई सपोर्ट नहीं है जो इस साजिश का हिस्सा बन गए मेरी मुराद जो पा, जो पादरी साहब के सर पे बैठे हुए मजहबी रानमा है उनसे है कि जिन लोगों ने ये बिल्कुल एक लेटर दे के तो पुलिस की मदद की उन उनको की मदद की जो हम मसीहों के खिलाफ है उनकी हेल्प कर दो और आज वही लेटर बार बार हमें सामने आता है ये देखें जी पूरी दुनिया में वो लेटर उसको काउंटर के तौर पे इस्तेमाल काउंटर वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि ये आ, आ, आपके सामने है तो आपने देख लिया और मैं चाहता हूं कि आप विक्की साहब के लिए दुआ भी करें और यकीनी तौर पर जब उनको परसों मंडे वाले दिन दोबारा इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा हम वहाँ पे जाएंगे और जो भी कानूनी चारा जोई है जो भी हमारे पास एविडेंस है जो भी हमारे पास दलाल है आर्गूमेंट हम करेंगे ताकि पारी साहब को वहां से निजात रही मेरे हवाले से बात तो मैं मतलब जो भी मैं आज उन कुतों को यह पैगाम देना चाहता हूँ आज फार्चुनेटली दोनों विक्टम हम बैठे हुए हैं यहाँ पे साथ तो ये भी खुदा का शुक्र है चले हमारी कौम मैं आप तमाम उन दोस्तों का उन भाइयों का गुजार हूं जो गुजाला के लिए परेशान थे जो मेरे लिए परेशान थे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने मैसेजेस के जरिए अपनी सॉलिडरिटी के लिए हमारे साथ सोलिडरिटी की और खुदा ने यह सबब बनाया कि हम इकट्ठे बैठ के यकीनी तौर पर आज मैं अपनी तरफ से पूरी कॉम को यकीन दिलात कि कितने भी जुलम हो कितने भी ज्यादा हो हम सच बोलने से कभी बाज़ नहीं आ सकते हमारी आवाज़ को कभी बंद नहीं किया जा सके चाहे कुछ भी कर लें हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं साथ खड़े रहेंगे और कभी भी आपकी गैर कानूनी जो हथकंडे हैं हम उनसे आप हमें बिल्कुल रोक नहीं सकते हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे लिए दुआ करें इस इन दिनों में हम मुसीबतों में हैं यकीनी तौर पर खुदा हमारी दुआ सुने हमारे साथ हो ताकि ये शैतानी कवतों को जो शिकस्त हो और हम उसी तरह अपनी खंदा पेशानी से अपनी कौम के लिए बढ़ चढ़ कर आवाज